आज इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ओके, तो देखो ये क्या है, मान लो थोड़ा समझ जाना, डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाता है ऐसे। ओके, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, और ये इसकी छोटी साइड होगी और ये इसकी लॉन्गर साइड, और ये इसका डायगोनल, या आप इधर से भी डायगोनल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी वाली साइड जो है ना, देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, डायगोनल जो है ना वो छोटी वाली साइड से कितना ज़्यादा है, 60 मीटर मोर देन, दिख रहा है। तो छोटी वाली साइड को अगर हम एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो डायगोनल क्या होगा, एक्स प्लस 60, वो से 60 ज़्यादा है, सबसे छोटी साइड तो ये होगी इस फिगर में। और जो लॉन्गर साइड है, बड़ी वाली साइड है, लंबी वाली भुजा, वो कितनी है, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, छोटी वाली साइड से। तो अगर ये छोटी वाली साइड एक्स है, तो ये लंबी वाली साइड ये कितनी होगी, एक्स प्लस 30। ओके, ये भी एक्स, तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स प्लस 30, तो ये एक्स प्लस 30, और डायगोनल कितना हो गया, एक्स प्लस 60। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, क्योंकि राइट एंगल तो होता ही 90 डिग्री सब में बनता है, आपको पता है। तो लेट कर देते, लेट शॉर्टर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना मान लिया हमने, एक्स, और ये मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दे रखा है, मीटर, तो मीटर लिख लेते, एक्स मीटर। ओके, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, लॉन्गर साइड हो गई एक्स प्लस 30 मीटर, और डायगनल क्या हो गया, डायगनल हो गया एक्स प्लस 60 मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या जो भी है, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो आप, क्या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यानी जो हाइपोटेनियस जो होती है, वो कौन सी साइड होती है, सबसे बड़ी वाली यानी डायगनल, तो एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3600 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120x आ जाएगा, और इज इक्वल टू में इधर x का स्क्वायर प्लस इसमें x प्लस 30 में, इसमें भी होल स्क्वायर लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, और प्लस फिर 2ab, तो 2 इंटू ए और इंटू बी, मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको 30 को तो 60, और 60 को x से करोगे तो 60x, क्लियर है। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा, x स्क्वायर, या फिर पूरा अरेंज करके मैं दिखा देता हूँ। चलो अब देखो, पहले मैं इस वाले पार्ट को लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, और ये पार्ट्स इक्वल के बाद जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 120 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, 120x और इज इक्वल टू में 0 बचा। आप इसको भी इस पार्ट्स को भी इक्वल से पहले ला सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे जानबूझ के किया, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ता, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और जब 2x स्क्वायर, जब ये घटता तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचता, फिर माइनस कॉमन एक स्टेप और बढ़ जाता, इससे अच्छा इधर वाले पार्ट को उधर ले जाओ, क्या दिक्कत क्या है। अब ये 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और उसके बाद क्या, 60x प्लस का है, ये माइनस का 120x है, तो इसमें से प्लस माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 60x, ये 900 है और ये कितना है, 3600, ये प्लस का, ये माइनस का, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2700 बराबर, है ना, 2700 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो आ जाएगा। फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान दिख रहा है, फैक्टर से कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर देखो, 2700 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि 60 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये भी आ जाए, तो ये तो बहुत आसान नंबर है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पर पता चल जाएगा।
कि 90 और 30 से आ जाएगा, 90 और 30 माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60, और 90 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना भी आ जाएगा। ओके ये माइनस का 2700 और बराबर 0। ओके और नहीं अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो, और नहीं तो फिर बाकी इसका 2700 का इस तरीके से प्राइम फैक्टर बना लेना, और पेयर बनाने के बाद फैक्टर करते हुए, और उसके बाद ये अपने आप बन जाएगा। ओके क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 90 और प्लस यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा 30 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 90 और इक्वल्स टू में 0। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या, तो एक बार तो ये आ जाएगा x माइनस 90 और एक बार x प्लस 30 और इक्वल्स टू में 0। तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x प्लस 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस 30। अब साइड तो नेगेटिव होगी नहीं, तो इसको तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये साइड हम ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90। ओके अब x की वैल्यू 90 तो जो शॉर्टर साइड थी, सबसे छोटी वाली, उसको हमने x लिया था, तो वो कितनी हो गई 90 मीटर। ओके क्लियर है। लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 30 था ना, तो 30 यानी x की वैल्यू 90 और प्लस 30, तो वो हो जाएगा कितना 120 मीटर। और डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल था x प्लस 60, तो यानी कि 90 प्लस 60, तो दैट मीन्स कितना हो गया 150 मीटर। तो तीनों आंसर आ चुके, तीनों साइड आ चुकी है, 90 मीटर 120 मीटर और 150 मीटर। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और कुछ डाउट रह जाता हो अगर किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लिया करो। ओके आपको रिप्लाई बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, और बाकी और भी चैप्टर्स की वीडियो जो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, कई चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग सभी चैप्टर्स की कुछ ना कुछ वीडियोज़ हैं आपको तो चैनल पे मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है सबका, इंग्लिश की वीडियोज़ भी है, हिंदी ग्रामर की वीडियो है, सोशल साइंस की वीडियोज़ है, साइंस की कुछ वीडियोज़ हैं, तो आप देखिए। और हाँ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी वीडियोज़ भी हैं यहाँ पे, 10th क्लास की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं चैप्टर वाइज, वो शॉर्ट ट्रिक्स भी, ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट ट्रिक है, पॉलिनोमियल के शॉर्ट ट्रिक हैं, हर चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट पे, तो वो सब देखिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो 10th लेवल का सिलेबस जो होता है वही ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है मैथ्स का, तो शॉर्ट ट्रिक लगभग जो बनी है उन एग्जाम्स के लिए, वो आपके भी काम आएगी जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को करोगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती होगी तो आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, और अब नए पैटर्न में एमसीक्यू भी आने लग गए हैं, तो इसलिए एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस किया करो। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।